Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों collateral security का question पढ़ते हैं. ABC Limited obtained a loan of 80,000 from Bank of Baroda, issued 1,009% debenture of 100 each as a collateral security. 1,000 debenture of rupees 100 each, मतलब 1 लाख के हो गए ना. How will be issue of debentures shown in the balance sheet? इसको balance sheet में कैसे show करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया दो method से हो सकता है, तो first method में आपको journal entry pass नहीं करेंगे, सीधा इसको balance sheet में show करेंगे. इक्विटी एंड liabilities की heading में non current liabilities और उसमें long term borrowings, आप चाहें तो इसको इस तरह से underline रख सकते हैं. इक्विटी एंड liabilities, non current liability की heading में long term borrowings, शेड्यूल नंबर नोट नंबर 1 में आपको नजर आ जाएगा ये 80,000 का लोन है. तो नोट नंबर 1 में हम इसकी डिटेल दे रहे हैं, नोट्स अकाउंट में. दिस इज लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा. और ब्रैकेट में क्योंकि कोई जनरल एंट्री तो पास नहीं करी, इसलिए हमारे पास कोई मेमोरेंडा तो है नहीं कि हमने इसके बदले में डिबेंचर्स दिए हुए हैं, तो ब्रैकेट में एज एन इंफॉर्मेशन शो करेंगे. दिस इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1,009% debentures of rupees 100 each as collateral security. यहाँ पे जो word है as collateral security, ये हमें information दे रहा है, ये debentures हमने as collateral security issue किया. लेकिन show सिर्फ bank loan ही करना है 80,000, और जो आपने 1,000 debentures 100 each 1,00,000 रुपए की issue किए, उसको सिर्फ bracket में show किया है, loan 80,000 का ही show होगा. इसी को अगर मैं मेथड नंबर 2 में चलूं, तो सेकंड मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पहले जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर 1,00,000 जितने के आपने डिबेंचर इश्यू. जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी नहीं, हम लोग जनरल एंट्री पास करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड फॉलो करते हैं. मैंने बोला ना एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए हम एंट्री पास कर लेते हैं और फिर इस एंट्री का इंपैक्ट बैलेंस शीट में भी शो कर देते हैं. बैलेंस शीट तो एज इट इज नजर आएगी आपको, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नंबर 1 नोट 80,000 का, और नंबर 1 में लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 80,000 एज इट इज आ जाएगा. लेकिन जो जनरल एंट्री आपने लिखी थी उसका इंपैक्ट ऐसे आ जाएगा, 9% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच इशूड एट कोलैटरल सिक्योरिटी 1,00,000 लेस डिबेंचर सस्पेंस 1,00,000, तो बाहर हमारी फिगर जो है वो निल फिगर आ जाएगी और टोटल अगेन 80,000 ही बनेगा. फिगर 80,000 ही आ रही है बैलेंस शीट में, अभी भी 80,000 ही फिगर आपको नजर आएगी, ये रही बैलेंस शीट के अंदर. दिस इज योर बैलेंस शीट, यहां पर ऊपर लिखा नहीं है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, दिस इज बैलेंस शीट. और ये नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स में हमने पूरी डिटेल दी है कि 80,000 का लोन है लेकिन इसके लिए 1,00,000 के डिबेंचर इश्यू किए थे एज डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट करके यहां पर शो कर दिया, 80,000 का ही लोन बैलेंस शीट में आएगा. सो इन एनी केस बैलेंस शीट के अंदर तो फिगर 80,000 नजर आएगी, बट सेकंड मेथड में नोट्स टू में यानी कि शेड्यूल में यानी कि डिटेल में हम उसको एक फर्दर इंफॉर्मेशन की तरह से शो करेंगे, डिबेंचर्स लेस डिबेंचर सस्पेंस, जबकि फर्स्ट मेथड में हम बैलेंस शीट में बस ब्रैकेट में ही शो कर देंगे कि डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी. ये बेसिक डिफरेंस है, आप जो मर्जी मेथड फॉलो करो. फर्स्ट मेथड करने में स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है कि फर्स्ट मेथड में सिंपल बैलेंस शीट होगी, दिस इज योर बैलेंस शीट, और नोट्स अकाउंट में बस 80,000 का लोन शो करना है. वो आपकी इच्छा है, आप फर्स्ट या सेकंड जैसे मर्जी कर लें और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सो ये है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी. आमतौर पर तुम देखोगे 80,000 का लोन है तो 1,00,000 के डिबेंचर दिए हैं, बस ऐसे ही चलता रहेगा. 5,00,000 का लोन है तो 6,00,000 के डिबेंचर दिए हैं, या 6,00,000 का लोन है तो 8,00,000 के डिबेंचर दिए, बस इन्हीं दो फिगर्स का डिफरेंस चलता रहेगा, बाकी शो करने का तरीका सेम. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ओके.